अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान है, गुड मॉर्निंग देती हूँ। दुआ खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा है। दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। अच्छा जी, बात करूँगी ऑफकोर्स एज़ यूजुअल मैं आपके सामने आती हूँ, मैसेज शेयर करती हूँ, लेकिन आज मैं बहुत शॉर्ट मैसेज आपसे शेयर करूँगी। वो सिंपल सा ये है कि जब हम कोई भी ऐसी बात किसी को डिलीवर करते हैं, जब हम किसी को मेंशन करके करते हैं कि लाइक आप ऐसे हैं, तो उसको बहुत बुरा फील होता है। लेकिन हम जनरली बात करते हैं कि ऐसा हो रहा है, ये चाहे अपने बच्चों में हो या किसी और के ऊपर हो, उसको फील होता है। तो इसीलिए ज़रा एहतियात किया करें, कभी किसी को कुछ आपको गाइडलाइन देनी है या किसी को नसीहत करनी है तो आप जनरली बात किया करें, लेकिन आप किसी को आप पॉइंटेड करके, क्योंकि कोई बंदा परफेक्ट नहीं होता। मैं बोलने में गलत बोल सकती हूँ, मैं सोचने में गलत बोल सकती हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी को आप अपनी ज़िंदगी से मुनक़ता ना करें, डिस्कनेक्ट ना करें। क्या अपनी औलाद को डिस्कनेक्ट करते हैं? नहीं। लेकिन बहन भाई कब कुछ गलत करते हैं, कज़न कुछ गलत करते हैं, तो आप कहते हैं इनसे मरना जीना ख़त्म कर दें, तो ये तरीका सही नहीं है। अगर आप ज़िंदगी में चाहते हैं कि हमारा नाम रहती दुनिया तक याद रहे, हमारा नाम दुआओं में याद रखा जाए, और हम मर भी जाएं तो लोग हमारी मिसालें दें, चाहे ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत नामवर शख्सियत हो तो आपकी मिसालें दी जाएं, आप अपनी फैमिली में भी एक ऐसी शख्सियत बन सकते हैं, मोटिवेशनल पर्सन बन सकते हैं कि लोग आपको कहें जी वो हमारे चाचा जो थे ना, वो कभी भी बात करते थे, बहुत अच्छी बात कहते थे, वो जब भी हमारे पे सरपरस्ती करते थे, वो हमारी गलतियों को दरगुजर करते थे। तो ये आने वाली नस्लें महफूज हो जाएंगी और उनकी तरबियत अच्छी होगी। छोटा सा मैसेज है बस, और ज़्यादा बात नहीं करना चाहती। यानी कि ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग।